नमस्कार दर्शक मित्रों, एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सॉरी, आज हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित है डॉक्टर अमी याग्निक। अमी जी, आपका मैं स्वागत करती हूँ। उनके साथ में है भूमिका जी। भूमिका जी, आपका भी स्वागत करती हूँ। और हमारे साथ है दीपक भाई सेठ वाला सर, आपका भी स्वागत करती हूँ हमारे स्टूडियो में। आज का हमारा ये लाइव कार्यक्रम का जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, वो है मासिक महोत्सव के दरमियान मासिक संकलन की बातचीत हम करने वाले हैं, और साथ में मासिक के बारे में वैज्ञानिक समझ देने वाले हैं, और साथ में मासिक स्वच्छता व्यवस्थापन और उसमें अपनी और पर्यावरण दोनों की सेहत बनाने के लिए रखने के लिए तरीके कौन से अपनाने चाहिए वो हम आप सबको बताने वाले हैं आज। और साथ में मासिक से जुड़ी हुई मान्यताओं और उनकी औरतों की जिंदगी में क्या असर पड़ती है वो सब हम आज बताने वाले हैं। और खास करके अमी जी यहाँ पे उपस्थित है, और अमी जी ने एक बेड़ा उठाया है कि ये मासिक उत्सव होना चाहिए और मासिक के बारे में हर महिला को जानकारी मिलनी चाहिए। जो ये मासिक के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं सबको, वो खुल के बता नहीं सकती है सबको, लेकिन ऐसे हम लोग ऐसी जानकारी देंगे कि उनको शायद ऐसा लगे कि ऐसी जानकारी हमें कहीं नहीं मिलेगी। तो ये हमारे चैनल के माध्यम के द्वारा हम बताना चाहते हैं आपको। तो अमी जी, सबसे पहले ये आपने जो शुरुआत की हुई है मासिक उत्सव की, तो वो कैसे की और आपको कैसे ये आइडिया आया कि ऐसा हमें करना चाहिए? मासिक का महोत्सव कहते हैं उसे। जी, ये जो उत्सव मना है अभी जा रहा है 21 से 28 मई के दिन। जी, ये पूरा जो 8 दिन का उत्सव है, एक्चुअली इसकी शुरुआत मैंने नहीं की है। जी, बॉम्बे में एक म्यूज करके एक फाउंडेशन है। जी, वो उन्होंने ऐसा सोचा कि इसके बारे में, मासिक के बारे में जिस तरह से समाज में बातें होनी चाहिए या समझ होनी चाहिए वो नहीं है। जी, तो क्यों ना हम इसको उत्सव की तरह मनाए, ताकि जब हम कोई त्योहार मनाते हैं तो लोग यूं ही जुड़ जाते हैं, है ना, क्योंकि त्योहार में सबको मजा आता है। जी, तो उनको ये ख्याल आया कि मासिक को भी अगर हम उत्सव की तरह मनाए तो जो बात हम लोगों को पहुंचाना चाहते हैं वो हम आसानी से पहुंचा सकते हैं। जी, और 28 मई जो है ना वो वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे की तरह मनाया जाता है। जी, हमारा जो मासिक होता है वो आमतौर पे जो मासिक चक्र है वो 28 दिन का होता है। जी, और उसमें 5 दिन मासिक आता है। जी, तो ऐसा ये दोनों नंबर से मिलके 28 दिन का मासिक चक्र और 5 दिन उसमें मासिक आना, इसलिए दुनिया भर में ये दिन एक जो वॉश फाउंडेशन, वॉश करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जर्मनी में, उन्होंने ये वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे की शुरुआत की थी। जी, तो 28 दिन का चक्र और 5 दिन का मासिक, ये दोनों मिला के 28 मई को ये वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे तय हुआ। जी, और म्यूज फाउंडेशन ने ये पूरा हफ्ता 21 से 28 का ये त्योहार की तरह मनाने का तय किया। जी जी, इसमें तीन चीजें हैं एक्चुअली। तो मासिक के बारे में वैज्ञानिक हमें समझ मिले अच्छी तरह से। जी, दूसरा मासिक के लिए हम स्वच्छता कैसे रखे उस पे जोर दिया जाए, और वो जो हम यूज इस्तेमाल करते हैं उसमें हम पर्यावरण का भी ध्यान रखें। बिल्कुल, वो कैसे, वो आपको हम आगे जो बात करेंगे उसमें आपको मालूम पड़ेगा। तो पर्यावरण की भी चिंता हम करें वो उस पे जोर दिया गया है। और तीसरी चीज है कि हम जैसे बहुत सारी मान्यताएं रखते हैं मासिक के बारे में, जी, गलत फहमियां भी हैं। जी, तो हम ये सोचे और चर्चा करें कि क्या ये सब हमें करने की जरूरत है या नहीं भी, इसमें से जो कुछ भी बदलना जैसा लगे उसे हम बदले। जी, तो ये तीन विभावना से मासिक का महोत्सव की शुरुआत हुई थी 2017 में। ये तीसरा साल है उसका, और इस साल 9 राज्यों में ये हो रहा है, और गुजरात में कुछ कुछ जगह पे हो रहा है, 2-3 जगह पे। जी, पर सूरत में ये पहली बार हो रहा है। जी, ठीक है, तो सूरत में अभी ये पूरा हफ्ता कुल मिला के अलग अलग किस्म से हम लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जी, 20 से भी
ज्यादा इवेंट हो रही है ये हफ्ते में, ठीक है जी। तो जिसमें कुछ कार्यक्रम है जो जैसे अवेयरनेस का, जैसे हम आज अभी यहाँ पे आपसे बात रहे हैं, एक किस्म का शिक्षण का प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, जागृति हम ला सकते इसके बारे में ला सकते हैं ऐसा। तो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम एक जागृति के है, दूसरे है हम बहुत सारे लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, जैसे मैं जैसे आपसे बात कर रही हूँ या मुझे जो मासिक के बारे में ज्ञान है, वैसे मेरे जैसे मैं बहुत सारे लोग तैयार कर रही हूँ ताकि जहाँ भी जरूरत पड़े तो लोग जाके इस तरह की बातें कर सके। मैं अकेले या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, हम टीम चाहिए ऐसा काम करने के लिए, तो ये टीम बना रहे हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को उसमें, कुछ लोग जो है मानो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लीडर्स है, कुछ डॉक्टर्स है, कुछ आंगनवाड़ी वर्कर है, ऐसे बहुत सारे लोग और कुछ वॉलंटियर्स है जिनको इस बारे में काम करना है जी। तो ये सब लोगों को मैं तैयार कर रही हूँ जी। तीसरा पार्ट है इसमें एंटरटेनमेंट जी। तो हम प्योर एंटरटेनमेंट नहीं कहेंगे उसको, इन्फो एंटरटेनमेंट जैसे कुछ बातें हम इंफॉर्मेशन देते हैं और कुछ हम उनको मजा आए ऐसा भी, मतलब गाना बजाना, फिर कवि सम्मेलन है यदि विषय से लेके जी, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग किस्म के योग का प्रोग्राम किया कि योग का मासिक के दरमियान हम योग कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कैसे योग करना चाहिए ताकि आपकी तकलीफें कम हो, इस तरह का जी। तो हर चीज को मैं मासिक के साथ जुड़ने की कोशिश कर रही हूँ और अलग अलग तरह से लोगों तक ये बात पहुंचे, है ना। हमने एक कॉम्पिटिशन किया है ऑनलाइन जिसमें स्लोगन राइटिंग, पोएट्री राइटिंग, पोस्टर मेकिंग, ऐसा कॉम्पिटिशन है, कोई भी इसमें डाल सकता है, कोई भी उम्र का, कोई भी इस विषय से लेके, सब विषय यही रहेगा मासिक का महोत्सव रिलेटेड टॉपिक। आपको जो कुछ भी करना है इसके लिए करो, कविता करना है इसके लिए करो जी। बहुत ही बढ़िया, इससे तो बहुत सारे लोगों को नए नया कुछ जानने को भी मिलेगा और नया उसमें से कुछ निकलेगा भी जो हमें भी काम, हमें भी नहीं मालूम है, नहीं मालूम है और हमें काम भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है जरूर। अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी जानकारी हमारे माध्यम के द्वारा, जो महिलाएं ये कार्यक्रम देख रही है उनको तो अच्छी जानकारी मिल ही जाएगी और जो महिलाएं इसके बाद कार्यक्रम अगर नहीं देखा है तो बाद में भी देख के भी उनको पता चल जाएगा। और इसके बाद भी एक ऑप्शन आपके पास रहता है कि 28 तक ये मासिक का महोत्सव चलने वाला है और खास करके सूरत में पहली बार हो रहा है और सूरत में चालू है 21 से, मेरे ख्याल से 28 तक ये चलने वाला है, तो उसी की जानकारी भी अमी बहन के थ्रू मिलेगी और हमारे फेसबुक पेज के ऊपर भी पूरी जानकारी हमने दी है, तो उसमें भी आप अटेंड करना, ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पर बाद में भी हम करने वाले हैं, ऐसा नहीं कि ये महोत्सव खत्म हो गया तो काम पूरा जी, हो गया। बाद में भी अमी जी आपके साथ ही है, कभी भी आपको जरूरत है हम अमी बहन का नंबर फेसबुक के ऊपर हम नोट करके लिख देंगे ताकि लोग आपको डायरेक्टली संपर्क कर सके, क्योंकि कोई जाहिर में क्वेश्चंस करना नहीं चाहता है, सो वो पर्सनली भी टॉक कर सकता है। सो आगे बढ़ते हैं, अभी हम बात करेंगे कि जो मासिक की घटना है, जो मासिक आने वाला है, तब वो लड़कियों के जीवन में उसका क्या असर रहता है। अब आप भी याद कीजिए ना, आपका पहला मासिक आया था तो क्या हुआ जी, था जी, है ना, बिल्कुल आपको अच्छा लगा था क्या? नहीं, पहली बार तो जैसे रोना आ जाता है ऐसा, हाँ। बहुत कुछ मतलब कुछ पता नहीं होता है तो बहुत सारे फीलिंग्स अंदर आ जाती है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, तो ये सब चीजें, हाँ, वो तो है। अभी क्या हो रहा है, जैसे लड़की को मासिक आता है ना जी, तो उसको खाली पहले तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या हो रहा है जी। और कोई उसे पहले से तैयार नहीं करता इसके लिए, है ना जी, उसकी माँ हो, शिक्षक हो या कोई भी हो, उसको सही मायने में सही समय पे ये चीजें बताई नहीं जाती है। तो इसलिए जो मासिक का पहली बार आना, ताकि वो एक आनंद का प्रसंग है, क्योंकि वो बताता है, मासिक ये बताता है कि अभी वो लड़की में प्रजनन क्षमता आ रही है जी, ताकि जब वो बड़ी होगी, जब वो चाहेगी आगे चल के, तो वो माँ बनने के काबिल बनेगी। तो ये जानकारी ऐसे तो अच्छी बात है ना, हाँ, तो पर उसको इस तरह से नहीं समझा जाता है जी। उसको खाली इतना बताया जाता है कि आपको इस तरह से कपड़े पहनना है या पैंट पहनना है और आपको ये छूना है नहीं छूना है, ये करना है नहीं करना है। तो लड़की को तो लगता है कि मेरा बचपना तो यूं ही खत्म हो गया, बिल्कुल जैसे एक रात में मासिक आया नहीं और उसका बचपना खत्म हो गया। तो उसके उसे
मासिक के साथ उसको कोई पॉजिटिव फीलिंग नहीं आती है मासिक के प्रति, एक ये असर होता है। दूसरा क्या होता है कि क्योंकि वो बहुत बंधन में बांधी जाती है, छूत अछूत का बहुत चलता है, तो उसको अपने आत्मविश्वास या आत्मसम्मान उसको नेगेटिव तरह से असर करता है, जी है ना। तो लड़की अपने आप में जैसे सहमी सहमी सी बन जाती है, तो इस तरह से मासिक आना ताकि वो आनंद का उत्सव है, ताकि वो हमें जैसे कहते ना कि हम कुछ अच्छा नया जानते सीखते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, तो हमें अच्छा लगना चाहिए। तो ये तो कैपेसिटी बिल्डिंग हुई और बुरा लगना शुरू हो गया, तो ये कहाँ का अन्याय है, जी है ना। तो इसका कारण ये है कि हम किस तरह से लड़की के साथ मासिक आने के बाद व्यवहार करते हैं। आपको मालूम है कितनी सारी लड़कियां को स्कूल से उठा लिया जाता है, बिल्कुल या जल्दी शादी कर देते हैं, जी। तो इस तरह से लड़की के लिए मासिक जो आना शुरू होता है वो अभी जिस तरह से चल रहा है वो उसके जीवन के लिए एक दुखदायक घटना बन रही है, और वो उसको जिंदगी भर उसको पिछवाड़े ले जाती है, जी है ना। आजकल जनरेशन भी ऐसा हो चुका है, आजकल का जंक फूड ये सब, पहले के जमाने में जो भी हम करते थे, मतलब मासिक का जो पीरियड था वो 9th या 10th के बाद सब पीरियड आता था, लेट आता था। अभी आजकल लड़कियों में फिफ्थ स्टैंडर्ड नौ साल की एज में ही पीरियड आ जाता है, तभी उनको इतना ज्ञान भी नहीं होता है, तभी ये सब मुश्किलें होती है मेरे ख्याल से। और लड़कियों मैं कार्यक्रम ऐसे करती रहती हूँ, तो अगर कोई माँ को पूछा जाए ना कि आपकी लड़की मासिक में आती है तो आपको क्या लगता है, तो उनको लगता है कि हमें बहुत चिंता होती है कोई उनका डिसएडवांटेज लेके वो कहीं फंस ना जाए, उसके साथ कुछ बुरा नहीं हो, है ना। तो उनको खाली ऐसा रहता है कि मेरी लड़की की मैं शादी कर दूं तो मेरी जिम्मेदारी खाता हूँ, है ना, ऐसा हो जाता है। मतलब आजकल का जनरेशन ऐसा हो गया है कि माइंड पे पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव नेगेटिव ही सोचते हैं। सही बात, ऐसा कोई नहीं सोचता कि मैं लड़की को अच्छा पढ़ाऊंगा, आगे बढ़ाऊं, उसके सपने पूरा करूं। आपने जो बोला अभी कि छूत अछूत का ही ये जो किस्सा है, तो आज की 21वीं सदी में इसकी जो मान्यता है वो कितनी अंश तक योग्य है? मेरे हिसाब से तो एक भी मान्यता का कोई वजूद ही नहीं है, जी है ना। तो मानना, मुझे लगता है कि हम ये सब बातें आगे बढ़ाएंगे तो सब अपने आप से, मैं दर्शकों से बात करना चाहूंगी कि आप खुद अपनी जिंदगी में देखें और सोचें कि ये सब जो हम मानते हैं, मंदिर में जाना नहीं, ये छूना नहीं, रसोई घर में नहीं जाना, है ना जी, सबसे दूर रहना, तो ये बहुत सारी ऐसी मान्यता है कि जो हमें कोई फायदे की है नहीं, जी है ना। तो हम उससे दूर ही रहे तो अच्छा है। अच्छा। तो हमारा तो ये मासिक महोत्सव से एक उद्देश्य है कि हम ये सब मान्यताओं को जैसे हमारे जीवन से दूर रखें और लड़की को अपने आप में अच्छी तरह से खिलने के लिए अवसर दें। जी जी मैम, ये भी मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि ये मासिक की शुरुआत होती है और उसका मासिक बंद भी हो जाता है, तो वो कैसे होता है? ये एक कुदरत का बहुत अच्छा करिश्मा है जी, कि लड़की जब पैदा होती है ना तो उसके अंडपिंड में अपरिपक्व अंकोश होते हैं कुछ नियत मात्रा में, ठीक है, 40 से 50 हजार होते हैं जिसे, पर वो जैसे सुसुप्त अवस्था में होते हैं, वो कुछ काम नहीं करते, जी है ना जी। फिर एक बार लड़की का जन्म हो जाता है ना, उसके बाद में कोई नए अंडकोश नहीं बनते हैं जी, पर जब वो तरुण अवस्था में आती है तो उसको मगज की पिट्यूटरी ग्रंथि होती है जी, तो अंतस्रावी ग्रंथि है, वो एक रस से ये ऐसा हमारा जो प्रजनन तंत्र होता है जी, तो ये मानो अनपिन है जो उसको संदेशा मिलता है कि अभी आपको आपको जो काम करना है वो शुरू करना है जी। तो इसलिए ये एक किस्म का एस्ट्रोजन करके हार्मोन बनाना शुरू करती है, तो उसी के असर से हर महीने फिर कोई एक अंकोश परिपक्व बनता है, और परिपक्व बनके उसके बाजू में जैसे पानी का एक परपोटा बनता है, फिर वो बाहर की ओर आता है और फूट जाता है, ठीक है, और वो उसे ये बीज नली जो होती है वो झील लेती है जी। बीज नली का जो अंग उसका आखिर का भाग होता है वो हाथ के पंजे की तरह होता है जी, तो उसको पकड़ लेती है और नली में अंदर आ जाता है जी। ये बीज जो निकलता है उसकी जिंदगी सिर्फ
24 घंटे की होती है, 24 घंटे में वो बीज इधर मर जाता है, और बीज एक बार निकल जाए उसके बाद में अनफिन एक और हार्मोन बनाता है जो अंदर की जो दीवार होती है ना जी, वो गद्दी जैसी बनाते हैं, ठीक है जी। तो फिर क्या होता है, जैसे बीज निकला उसके 2 हफ्ते बाद तक एक गद्दी बनती है जिसमें बहुत सारी खून की कोशिकाएं होती है जी। फिर अनफिन को ऐसा संदेश मिलता है कि बीज तो मर गया है 24 घंटे में, अभी वो जिंदा नहीं है जी। तो ये ओवरी जो कुछ भी अपना हार्मोन से वो बनाना बंद कर देती है। तो जब लड़की की जैसे उसमें वो कम हो जाता है सब हार्मोन्स, तभी अंदर की जो गद्दी बनी होती है ना अंदर की दीवार में, वो अपनी जगह से छूट जाती है, जैसे निकल जाती है जी। और उस योनि मार्ग से लेके वो बाहर निकल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं मासिक राशि, बराबर ना। तो मासिक ये बताता है कि तो मासिक की शुरुआत क्यों होती है कि अनपिन में से बीज निकलना शुरू हो जाता है, इसलिए मासिक की शुरुआत होती है जी। अंत क्यों होता है, जब तक अनपिन में अपरिपक्व बीज है जो परिपक्व हो सकता है तब तक हमें मासिक आता है। एक बार ओवरी के अनपिन सब खत्म हो गए, अंकोश जैसे अपरिपक्व अंकोश अभी कोई रहे नहीं है जो बड़े हो सके परिपक्व हो सके, तो मासिक आना बंद हो जाता है। तो हमें 12-15 साल में मासिक आना शुरू होता है, सोच लो अभी जल्दी आता है तो 9 से 15 साल में, और बंद होता है 45 से 55 साल में जी। तो ये हमारे कितने हमारे शरीर में बीज है जो निकल सकते हैं उसके ऊपर निर्भर रहता है, है ना जी। बिल्कुल, हमारे साथ दीपक जी जुड़े हुए हैं। दीपक जी सेठ वाला जी, अभी हमारे ये महिलाओं के बीच में ये मासिक की बातें हमारी चल रही है, आपको कैसा लग रहा है? मुझे सुन के थोड़ा जानकारी तो मिल ही रही है। सबसे पहले मैं डॉक्टर अमित को अभिनंदन दूंगा कि सूरत में इस जानकारी के लिए उन्होंने ये मासिक उत्सव का आयोजन किया है, मतलब जो बॉम्बे में चल रहा था उसका यहाँ पर भी प्रसार कर रही है। तो डॉक्टर अमी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेब एक्सोटिका जो मीडिया है तो उनको भी मैं अभिनंदन देता हूँ कि जो भी ये कार्य में सहभागी हो रही है। ये मुझे थोड़ा ताजुब ये हो रहा है कि आज 21वीं सदी हो रही है और अभी ये बात करने की जरूरत पड़ रही है। ये तो एक नॉर्मल बॉडी प्रोसेस है और जो शारीरिक जो नॉर्मल होता है वो होता है, इसको इतना स्पेशल क्यों वेटेज दिया गया है और उसको क्यों सब्जेक्ट बनाया गया वो मुझे समझ में नहीं आ रहा आज तक, और उसमें बहुत कम जानकारी अभी तक काफी लोगों के है। और ये भी देखने को मिलता है कि जब घर में बच्ची को ये होता है मासिक आता है तो मतलब जैसे कुछ डिफरेंट हो गया, सब लोग मतलब कोई चुपकी सा देते हैं, कोई बोलता नहीं है कि उनकी डेट से पीरियड की डेट से बोलने में थोड़ा झिझकते हैं, ये सब बातें मुझे समझ में नहीं है भाई ये क्यों ऐसा होना चाहिए, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। ये तो फिजियोलॉजिकल चेंज है, फिजियोलॉजिकल एक प्रोसेस है वो होता है एंड एवरीबॉडी शुड एक्सेप्ट इट। तो आज आप लोग कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, ऐसे इसी जानकारी और बढ़ानी चाहिए और लड़की को दे सुड फील इट फ्री कि चलो भाई अच्छा हो रहा है। आपको लगता है कि ये बराबर जो हो रहा है, पर क्या सब आपके जैसे और सब मर्दों को ऐसा लगता होगा? जैसे कोई जैसे हम कार्यक्रम में जाते हैं, मैंने कई जगह पर कोशिश किया कि जैसे आप सबको बुलाओ, जैसे बूढ़े बच्चे और मर्द औरत सब हो सकते हैं, क्योंकि ये बातें जीवन की बातें हैं जो सबको मुझे लगता है मालूम होनी चाहिए। तो ज्यादातर औरतें ही आती हैं, या वो कहते हैं हमने एक कार्यक्रम किया जिसमें बच्चे थे, टीनेज बच्चे थे, लड़के लड़कियां दोनों थी, तो उन्होंने हमें बोला था कि सब बच्चों को भेजना, पर उन्होंने कहा कि नहीं लड़के लड़की को हम साथ में तो नहीं बोलेंगे। तो आपको क्या लगता है ऐसा होना चाहिए, अलग बोलना चाहिए दोनों को? ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मेरे ख्याल से ऐसे परंपरा जो शायद सालों से एक आ रही है, मैं ऐसा सोचता हूँ, ये मेरा अनुमान है कि ये ऐसा क्यों हुआ। जब से ये परंपरा चालू हुई होगी उस जमाने में मतलब मोस्टली संयुक्त कुटुंब रहते हुए उनके, तो उस टाइम पे शायद जब भी ये मासिक का होता है तब बहुत सारा रक्तस्राव होता है, शायद उससे ऐसा हुआ था कि लड़की का फिजिकल एबिलिटी कम होती होगी, तो उस जमाने में जो बुजुर्ग जो विद्वान थे उन्होंने ऐसा सोचा था उनको रेस्ट दिया जाए, इट वाज अ रिस्पेक्ट टू द फीमेल। अभी ओवर द पीरियड मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों ने ऐसा सोचा कि ये रिस्पेक्ट नहीं है, ये उनको कुछ
एबनॉर्मलिटी हो गई है, उनको बाहर अस्पृश्यता हो गई है, ये पूरा कम्युनिकेशन गैप हो गया। जो चालू हुआ था ख्याल वो बहुत अच्छा था कि भाई इनको थोड़ा रेस्ट लो, उनको आराम दो और उनको थोड़ी सुविधा दो, तो वो सुविधा और आराम और रिस्पेक्ट की जगह पे थोड़ा डिसरिस्पेक्ट हो गया है। तो ये कम्युनिकेशन गैप हो गया है। तो ये अच्छी बात है कि आज हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं, ये जो है इसका गैप फिलअप करने के लिए शायद किसी ने इतनी मेहनत नहीं की है। तो आज ये जो सेंचुरी 21वीं सेंचुरी इंफॉर्मेशन की सेंचुरी है, नॉलेज की सेंचुरी है, ये सेंचुरी में जो ये काम होना ही चाहिए कि सबको ये समझ में आ जाए कि ये सब्जेक्ट क्यों है, कितना इंपॉर्टेंट है और कितना स्वाभाविक है, इसको ज्यादा एक्स्ट्रा माइलेज देने की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल अवेयरनेस सबको हो जाए कि भाई अच्छी बात है, लड़की आ गई है, मासिक में आ गई है, सी हैज बिकम नाउ एडल्ट, किसी इज इन अ पोजीशन कि भाई वो एडल्ट तो हो नहीं जाती है से, वो तो ये अच्छी बात होगी, प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस। टीनेज हमारा 10 साल से शुरू होकर 19 साल को खत्म होता है, तो एडल्ट तो 19 साल में होती है, पर वो प्रोसेस में ये मासिक आना एक पड़ाव है ना, कि जैसे उसको वो इंडिकेट करता है कि अभी वो बड़ी होने लगी है, वो नहीं गई है, होने लगी है, ऐसा होता है। और आपने जो बताया वो सही बताया कि जैसे जो सोच से हम लोगों ने कुछ काम या कुछ नियम बनाए होते हैं वो आगे चल के किस तरह से बदल जाते हैं। मैं एक अच्छी सी एक स्टोरी कहना चाहूंगी इस वक्त कि एक जैसे बाबा जी थे, उसका बड़ा सा उनके शिष्य गुरु था, वो कहीं जा रहे थे तो उन्होंने एक छोटी सी बिल्ली देखी, तो बच्चा था बिल्ली का, तो सबको उसको अकेला कैसे मतलब कहीं रास्ते में मिल गया उनको, तो उनको बड़ा दया आया, तो वो ले आया अपने आश्रम में। फिर क्या होता, वो बड़ा हुआ और वो सबको वो बहुत प्यारा भी लगता था, तो सबके साथ खेलता कूदता था। फिर एक दिन क्या हुआ, नहीं फिर जैसे उनका नियम था कि वो कुछ टाइम के लिए मेडिटेशन के लिए बैठते थे, तो तब वो बिल्ली का बच्चा था ना, वो बहुत धमाल करता था, उछल कूद उछल कर, तो कोई को मेडिटेशन ध्यान नहीं देने देता था। तो फिर बाबा जी ने कहा कि देखो हम ऐसा करते हैं कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तभी उसको ये रूम में बंद कर देंगे, फिर हम निकाल देंगे, हमें कहा उसको बंद के रखना है। तो ऐसा चला, तो मेडिटेशन के टाइम पे वो बच्चा अंदर रहता था। फिर क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद वो बच्चा तो बड़ा भी हुआ, वो नियम चलता रहा, फिर वो मर भी गया है ना। फिर बाबा जी ने कहा कि अभी दूसरी बिल्ली लाना पड़ेगा, नहीं तो मेडिटेशन कैसे होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब लोगों को ये लगा कि भाई मेडिटेशन करने के लिए बिल्ली को बांधना जरूरी हो गया। एग्जैक्टली आई थिंक ऐसा ही होगा कि कम्युनिकेशन क्या होता है ओवर द हेड्स जो चलते हैं आगे वीडियो वीडियो जो हां। तो हमें ऐसी कई मान्यताएं जो हमारे जीवन से जुड़ी होती है, तो हमें उसको क्वेश्चन करने की जरूरत है। मुझे ये लगता है कि क्या आपको मतलब हमारे साथ बैठ के ऐसी बातें सुनने में या आप जैसे बहुत लोगों को क्या कंफर्टेबल लगता है? हाँ, मुझे डिस्कम्फर्ट का कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि ये तो काफी चीजें ऐसी है, मुझे वेरी फ्रेंकली नॉलेज नहीं था। अभी आपने जो बताया कि एक्टिव प्रोसेस की साइंस में बहुत छोटे से तो पढ़ा था, बाद में वो जब फिर वो सब्जेक्ट आया नहीं तो दिमाग से निकल गया, आपने वो नॉलेज रिफ्रेश कर लिया, तो ऐसा और ये रिफ्रेश हुआ तो आई कैन ऑल्सो स्प्रेड द इंफॉर्मेशन। तो मैं तो रेकमेंड करूंगा सबसे कि ये बातें अपने कुटुंब में भी अच्छी खुली तरह से हो, अपने सोसाइटी में भी खुली तरह से हो, जहां जहां मिले ये बातें अच्छी तरह से हो कि भाई ये मासिक आ गया है, मासिक में प्रॉब्लम्स हो रही है, उसका प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व किया जाए। जैसे अक्षय कुमार जैसा इतना बड़ा स्टार इस सब्जेक्ट को लेके आगे जाता है और हाइजीन को लेके इतना प्रमोट करता है, तो अभी हमें तो क्या इसमें छिपने का और इसमें संकोच का कोई कारण ही नहीं बचता है, और इसको हो सके उतना आगे लेके जाना चाहिए। हर पुरुष हर जेंट्स को इसकी जानकारी होनी जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि मेल आजकल हमारी सोसाइटी में मेल इज अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, तो वो इन्फ्लुएंस ज्यादा कर रहे हैं, जबकि कितने भी फीमेल आगे बढ़ी हो बट दे स्टिल बिलीव भाई आपका क्या मानना है, आप क्या सोचते हो। तो एक आज भी मेल का इम्पोर्टेंस है, तो मेल इस मामले में भी जितना आगे आते हैं तो ये अवेयरनेस और बढ़ेगी और ये सब्जेक्ट थोड़ा नॉर्मल ज्यादा हो जाएगा और उससे अच्छी तरह से ये सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है। पर मैं वो अक्षय कुमार से थोड़ा मैं अलग सोचती हूँ। हम लोग तो ये जैसे एक ग्रीन द रेड हमारा कैंपेन चल रहा है, तो मैं चाहूंगी कि भूमिका उसके बारे में। हाँ, अभी भूमिका का टर्न आ ही चुका है मैंने बात बोल दिया। हाँ,
ग्रिंडरलैंड एक नेशनवाइड कैंपेन है जिसमें अलग अलग इंडिया के सारे शहरों में अलग अलग शहरों में हर जगह पे लेडीज मिलके इस चीज को अवेयरनेस फैला रहे हैं कि मासिक के दौरान जो भी आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऐसे इस्तेमाल करें जो आपकी सेहत के लिए तो अच्छे है ही प्लस पर्यावरण के लिए भी अच्छे हो। ऐसा कैसे होता है? ऐसा करने के लिए दो प्रोडक्ट बहुत अच्छे है, एक होता है अपना क्लॉथ पैड अक्षय कुमार ने पिक्चर में बोल दिया क्लॉथ पैड यूज करना गलत है लेकिन लोगों ने उसको गलत तरीके से समझा है। क्लॉथ पैड यूज करना गलत नहीं है, क्लॉथ पैड को अगर आप सही तरह से यूज करें उसको भी 6-6 घंटे बाद 5-5 घंटे बाद चेंज करें, उसको भी अच्छी तरह से धो के धूप में सुखाएं, वो बहुत ही अच्छा है आपके सेहत के लिए। अक्षय कुमार इसलिए मना गया क्योंकि हम लोग पुराने कपड़े यूज करते थे अपने मेंस्ट्रुएशन के लिए, उसको फिर घर के किसी अंधेरे कोने में उसको सुखाते थे, अच्छे से धोते नहीं थे, इसलिए उसकी वजह से हमें इन्फेक्शन होते हैं, तो वो गलत कपड़ा यूज करना गलत था। लेकिन आजकल मार्केट में बहुत सारे मॉडर्न क्लॉथ पैड्स अवेलेबल हैं जिसका इफेक्ट एक ईयर इम्परवियस होता है। इम्परवियस मतलब यहाँ से पानी या जो भी ब्लड निकलेगा वो नीचे आपकी अंडरवेयर तक नहीं जाएगा जी। तो इससे और ये मॉडर्न क्लिप्स की तरह भी आते हैं, तो जो मॉडर्न सैनिटरी पैड्स होते हैं उसी की तरह अंडरवेयर पे क्लिप ऑन हो जाते हैं, आपको ये यूज करने में सुविधा भी रहती है और प्लस आप पर्यावरण की भी मदद कर रहे हो। अभी तो कितने कलरफुल पैड्स आते हैं एकदम ब्यूटीफुल लुकिंग, आप जैसे धूप में हैंगिंग कर रहे हैं तो कुछ को ऐसा दिमाग में भी नहीं आएगा कि ये कोई सैनिटरी पैड सुखा रहा है। देखो डॉक्टर अभी मैं यहाँ आया तो मेरे को ये भी समझ में आया, वरना मैं तो अक्षय कुमार के जो बोल रहा था वही सोच रहा था कि मैं क्लोज पैड तो बहुत हाइजीन के लिए अच्छे नहीं है, तो ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली, तो मैं भी अभी मेरी फैमिली का आगे पसंद करूंगा। बैटमैन ने ये काम अच्छा किया कि मासिक के जैसे अवेयरनेस के मासिक के बारे में कुछ सोचना चाहिए, ऐसी अवेयरनेस का वो क्रेडिट देना चाहिए, पर ये गलत किया कि सैनिटरी पैड नैपकिन जो डिस्पोजेबल है वो बेस्ट है, ये गलत किया उन्होंने। सही बात, वो मैसेज सही तरह से वो पहुंचा नहीं सके शायद। हाँ, पर वो डिस्पोजेबल नैपकिन क्यों गलत है वो तो बताओ। डिस्पोजेबल नैपकिन में एक लेयर नीचे का प्लास्टिक का रहता है, तो प्लास्टिक जो है वो पता ही है पर्यावरण के लिए कितना हानिकारक है, आपके शरीर के साथ भी घंटों तक जुड़ा रहता है, आपको भी उससे रैशेज इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो कुछ स्टडीज ऐसी भी है जो हमारी सेहत के लिए प्लास्टिक कितना हानिकारक है वो स्टडीज अवेलेबल है ऑनलाइन। प्लस प्लास्टिक आप उसको धरती में डालोगे तो 800 साल तक गलने नहीं वाला है, आप उसको जलाओगे तो हवा में प्रदूषण फैलाएगा, तो उसको डंप करने का कोई रास्ता ही नहीं है, उसको कैसे खत्म करें। अगर आप सारी लेडीज सैनिटरी पैड्स यूज करने लगी 5 दिन महीने के, एक दिन में 4 बार चेंज करें, अगर अक्षय कुमार की बात मान के एक दिन में चलो 3 बार भी चेंज करें, तो एक शहर में से ही 1 महीने में पूरा पर्वत बन जाएगा प्लास्टिक पैड्स का, तो पर्यावरण के लिए तो हानिकारक है ही, हमारे लिए भी हानिकारक है। वो तुम्हें बेंगलोर शहर में इन लोगों ने सैनिटरी पैड का वेस्ट कितना होता है वो मेजर किया था जी, तो एक दिन में 90 टन, एक दिन में एक शहर का 90 टन है ऐसा कचरा। तो आप सोचो हमारे देश में 355 मिलियन औरतें हैं जो मासिक में आती है जी, तो आप गिन लो कि कितना कचरा पैदा होता होगा, है ना। तो हमें एक मासिक के दरमियान हमें जैसे 20 पैड चाहिए और हमें 40 साल तक मासिक आता है, 35 से 40 साल तक जी, तो और मतलब 6 साल जितना हमारा मतलब बहुत सारा हमें बहुत सालों तक आता है जी। और मेडिकली स्पीकिंग है ना, तो जैसे ये केमिकल जो होते हैं सैनिटरी पैड में एक किस्म की जेल भी होती है जो खून को अपने जैसे टीवी के अंदर दिखाते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों को इससे इन्फेक्शन होता है, उससे एलर्जी होती है, बहुत सारे केसेस ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट जो हमारे डॉक्टर्स से हम कार्यक्रम करते ही है तो बताते हैं कि ऐसे केसेस आते हैं बहुत सारे, कि बहुत सारे लोगों को ऐसे और दूसरा उसमें से है ना जो गीला एक बार होता है ना तो फिर उसको उसमें से जो केमिकल्स अंदर होते हैं ना वो छूटते हैं हवा में और वो क्योंकि वो हमारे शरीर के साथ जुड़ा होता है तो योनि मार्ग से लेके वो केमिकल्स हमारे शरीर में जाते हैं और इससे बहुत हार्मोनल इम्बेलेंस होते हैं, कुछ किस्म के कैंसर भी उसके साथ जुड़े हुए हैं।
तो वो हमारी तंदुरुस्ती के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। सही बात है। ये अभी हम बात कर रहे हैं कि कापड़ वाले जो पेड़ की बात कर रहे थे कि वो आजकल के जो यंग जनरेशन है वो क्या इसे यूज करने के लिए कितने योग्य है। सब लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं बट जो लोग एक्सेप्ट करते हैं वो लोग को परेशानी भी नहीं होती। जैसे इसको कोई धोना इतना मुश्किल नहीं है, हम लोग नहाने जाए उससे पहले एक बाल्टी में थोड़ा सा पानी भर लेना है, उसके अंदर उसको डुबो के रखना है, मतलब इसमें तक हम नहाते हैं तब तक ये डूबा रहेगा, सारा ब्लड इसमें से निकल जाएगा, ब्लड निकल जाए नहाने के बाद उसको एक बार बस सिंपल हाथ से वॉश कर लो साबुन से, या तो आपको वॉशिंग मशीन में कम्फर्टेबल और कट तो निकल ही गया है, आप वॉशिंग मशीन में भी डाल सकते हैं अपने कपड़ों के साथ, इसको डाल सकते हैं वॉशिंग, इसको वॉशिंग मशीन में डाल सकते हैं, ब्लड तो निकल गया फिर तो ये हमारा नॉर्मल कपड़ा है जी, फिर आराम से हमारे रेगुलर कपड़ों के साथ इसको डाल सकते हैं। और एक ऐसा भी मैं इससे जोड़ना चाहूंगी कि अभी ये ट्रेंड जैसे लोगों को समझाने लगा है कि पर्यावरण का अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे जी तो हमारी सेहत को बहुत बड़ा खतरा है। तो अभी एक मानो वेस्टर्न कंट्रीज जो बहुत मॉडर्न मानी जाती है हमसे भी मॉडर्न जी, तो वो लोग अभी कपड़े के पैड यूज कर रहे हैं, तो हमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इनफैक्ट इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होके बाहर एक्सपोर्ट होते हैं, हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जब एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो हम क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसका अवेयरनेस इतना है नहीं ना इसके लिए, सब लोगों को वो जितनी टीवी में ऐड आती है विश्व पर वो सब जितनी ऐड आती है वही लोग हमें ये सोचना चाहिए कि क्यों ये पैड इसकी सबकी एडवर्टाइजमेंट नहीं आती, क्योंकि ये जो कपड़ा होता है बहुत साल तक चलता है, मानो एक ऐसे मैंने पैड लिए तो वो मुझे 3 से 5 साल चलेंगे, तो जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट्स में है, तो क्योंकि वो बहुत प्रॉफिट मेकिंग है इसलिए इसकी इतनी सारी एडवर्टाइजमेंट आती है। तो बाकी अभी ये पैड ये जैसे मेंस्ट्रुअल कप ये बताएंगे 10 साल चलने वाला है, ये क्या है हां वो बात बता जी, इसे मेंस्ट्रुअल कप कहते हैं जी, ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं हमारे मेंस्ट्रुएशन को मैनेज करने के लिए। ये सिलिकॉन का बना है, ये सिलिकॉन का बना है और ये 8 से 10 साल तक चलता है जी, और ये सिलिकॉन का बना है एक ही कप चलता है 8 से 10 साल तक, और क्योंकि ये सिलिकॉन का बना है तो ये मतलब हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं करता है, जैसे मेडिकल और भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो सेम किसी कंपनी के, जो आईडी लगाते हैं फिर कैथेटर डालते हैं बहुत सारी चीजें में, ये सब सेम यही मटेरियल यूज होता है, तो हमारे शरीर को किसी तरह से नुकसान नहीं करेगा ये जी, ये जाके बैठता है हमारा जो सर्विकल लेंथ होता है वहाँ पे यूनिमार्क जिसे कहते हैं वहाँ पे जाके बैठता है ऐसे जी, तो जो भी यूट्रस से ब्लड आ रहा है वो सारा इसी में जमा होता है, तो आप इसको पहने 8 से 10 घंटे तक पहन सकते हैं और सारा ब्लड इसी में जमा होता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ अंदर पहना हुआ है, बिल्कुल भी कम्फर्टेबल है ये। और मैं खुद यूज करती हूँ पिछले ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से यूज कर रही हूँ, और ये बिल्कुल एकदम कंफर्टेबल है, इसको पहन के आप स्विमिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, जो चीजें हम लोग अवॉइड करते हैं जैसे होली खेल सकते हैं, लड़कियां पीरियड में होती है तो होली नहीं खेलती है, और हम होली खेल सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, कुछ भी जो भी हमें करना, टूटने का डर ऐसा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल चुभता नहीं है, ये बिल्कुल ही सॉफ्ट मटेरियल है, हमारा ये जो एरिया होता है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है तो इसके हिसाब से अंदर जगह कर लेता है और एक वैक्यूम बन जाता है। अंदर डालते कैसे अंदर डालने के लिए इसकी कुछ फोल्ड्स है, कुछ टेक्निक्स है जो हमें प्रैक्टिस करनी होती है, एक बार आगे एक सी कप है, सी फोल्ड है, ये सबसे आसान फोल्ड है, बीच से प्रेस करके इसको ऐसे सी जैसे बने वैसे फोल्ड करना है। दूसरा फोल्ड है इसका पंच डाउन फोल्ड, मतलब एक तरफ से उसकी रिम को पकड़ के नीचे तक उसको प्रेस करना है, एकदम छोटा डायमीटर हो जाएगा ये, ऐसे करने से टूट नहीं जाता, नहीं टूट जाता, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल मटेरियल है, सिलिकॉन है जी। और एक 7 फोल्ड है, तो ऐसे 7 की तरह उसे फोल्ड करना है, ये 3 फोल्ड करके आप उसे पहन सकते हैं, डायमीटर छोटे से छोटा करना है, डायमीटर छोटा हो जाए तो आप पहले पूरा स्क्वाट पोजीशन में बैठ जाइए, जैसे आप इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं वैसे बैठ जाना है, और इसको फोल्ड करके मैं पंच डाउन फोल्ड सजेस्ट करूंगी क्योंकि इसमें डायमीटर सबसे छोटा होता है जी। बैठ करके अब हमारे वजाइना के जो अपर लिप्स होते हैं उसको खोल के उसको अंदर धीरे धीरे पुश करना है, अंदर धीरे धीरे पुश होगा तो वो अपने आप फिर अंदर जगह बना लेगा, अंदर चला जाएगा, चला जाए अंदर एक बार फिट हो जाए तो धीरे से ऐसे खुल जाएगा।
एक बार हम उसको प्रेस कर सकते हैं या घुमा सकते हैं तो अंदर जाके खुल जाएगा, ये खुलेगा तो आपको ऐसा थोड़ा ऐसा फील होगा, अगर यहाँ पे तो मेरे हाथ में मुझे यहाँ पे फील होगा कि कुछ टप हुआ है, वही टप आपको अंदर फील होगा, इसका मतलब ये खुल गया है, नाउ यू कैन मूव फ्रीली, हर जगह आप फ्रीली घूम सकते हैं, खुल जाता है, नहीं निकलता वहां से हिलता ही नहीं क्योंकि वहां पे वैक्यूम बन जाता है, एकदम फ्लेक्सिबल मसल होते हैं मसल्स के साथ, हमारे मसल्स के साथ एकदम फिक्स हो जाता है, वहां से हिलता नहीं है। आप इसको पहन के घूमे फिरे जो भी करना है करें, 8 से 10 घंटे तक ये ब्लड जमा करता रहेगा, उसके बाद निकालने के लिए आपको सबसे पहले जो स्टेम है उसको रीच करना है, अगर डायरेक्टली रीच ना हो तो थोड़ा बैट डाउन करना है, थोड़ा पुश करना है, तो ये स्टेम आपके हाथ में आएगा जो नीचे है, इसे स्टेम कहते हैं, ये स्टेम हाथ में आए तो ऊपर तक रीच करना, और ये जो अंदर वैक्यूम बना हुआ है उसको तोड़ना है, ऐसे उसको जो अंदर सक्शन इफेक्ट हो गई उसको तोड़ना है, वो टूट जाए तो फिर आसानी से बाहर आ जाता है, बाहर हम लोग सीधा ही निकालेंगे और फिर उसको फ्लश में या कबर्ड में फ्लश कर सकते हैं, सिंपल पानी से धो के फिर से वी कैन रीयूज फॉर सेम साइकिल, दो साइकिल्स के बीच में इसे बॉइल करना है, इस मतलब वो हाइजीन के लिए इसको गर्म पानी में बॉइल करना है, वो जैसे बच्चों के वो पानी की बॉटल, पानी की बॉटल जैसे आप बॉइल करते हैं वैसे ही इसको भी बॉइल करना है, मतलब ये यूज कौन कर सकता है, लड़कियां भी कर सकती है या आफ्टर एडल्ट लड़कियां ही यूज, मैरिज के बाद में या पहले ऐसा करना चाहती है जी, हम सजेस्ट करते हैं सब लोग यूज कर सकते हैं, अबाउट 18 एटलीस्ट सब लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इंडिया में मैरिज को लेके इतना बड़ा आजू बाजू हर जगह मैरिज को इतना बड़ा बनाया गया है जी कि लोग तुम्हारी लड़कियां एक बार टेंशन लेके हाइमन टूट जाएगा मेरे में पहनू नहीं पहनू, लेकिन ये सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हाइमन कैसे भी टूट सकता है, साइकिलिंग करने से भी टूट सकता है, डेली रेगुलर एक्टिविटीज करने से भी टूट सकता है, तो ये सब पहनने की ये सब मिथ है, कोई लड़कियां घर में नहीं बैठी रहती आजकल, सब लड़कियां एक्टिव होती है, तो फिर व्हाई नॉट गो फॉर दिस, फिर आने के बाद में ये सब होता है, तो उसके लिए कितना वो योग्य है, फिर उसके लिए भी योग्य है, ये हो सकता है कि आपको 10 घंटे की जगह 8 घंटे या 7 घंटे में उसको चेंज करना पड़े, बट इट इज वेरी कम्फर्टेबल जी जी, उसके साथ में दूसरे भी कप्स देख रही हूँ, तो वो क्या है, अलग अलग साइज और अलग अलग वेरियंट अलग अलग कंपनीज के अलग डिजाइन फर्क होता है, अलग कंपनी का कलर अलग होता है, साइज अलग होती है, ये छोटा है जो टीनेजर्स भी यूज कर सकते हैं जी, बट जनरली इसको सीखना पड़ता है कैसे पहनना है, और हमारे सबसे बड़ी मुझे तो दिक्कत ये लगती है कि क्योंकि लड़कियों को अपने ही खुद के अंगों के बारे में मालूम नहीं होता है, हमें ये नाक है या आंख है सिखाया जाता है, हमारे दो पांव के बीच में क्या है हमें मालूम है क्या, नहीं मालूम है, इसलिए सबको लगता है कि ये कैसे अंदर जाएगा, कहां से जाएगा, देख के ही घबरा जाते हैं, हम पूछते हैं कि मासिक कहां से आता है, तो मासिक का अलग पैसेज है, पेशाब का अलग पैसेज है, ऐसा भी लोगों को नहीं मालूम होता, तो फिर उनको ये सिखाना एक चैलेंज तो है ना, बिल्कुल तकलीफ आती है ना, बिल्कुल आपको स्कूल में कैंपेन चलाते हो ऐसा करते हैं ना, मुझे लगता है कि स्कूल में कैंपेन चलाना चाहिए और सभी गायनेकोलॉजिस्ट की इस पे ज्यादा जोर देना चाहिए, अभी आपकी बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अव्यक्त और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको जितना अवेयरनेस इसका किया जाए उसका कम है, सही बात है, सही एकदम से, तो हमारी जो ग्रीन कलर कैंपेन जो है तो उसमें लास्ट ईयर ही हम लोगों ने एक पॉक्सी मतलब जो गायनेकोलॉजिस्ट की सोसाइटी है
उनके जरिए हम लोगों ने कैंपेन किया था कि ज्यादा से ज्यादा गायनेकोलॉजिस्ट इस बात को मानना शुरू किए, क्योंकि पेशेंट्स उन्हीं के पास जाते हैं, मासिक के रिलेटेड कुछ भी है तो वो जाएंगे गायनेकोलॉजिस्ट के पास, और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट को भी इसके बारे में कुछ मालूम नहीं पता होता। इसलिए क्या है कि वो लोग पता कि अरे कब नहीं नहीं गायनेकोलॉजिस्ट करना, तो ऐसा ऐसा भी कहते लोग बिना समझे या बिना जाने। तो मुझे आपको सच में मुझे आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ये चैनल से चलिए आप ये सब चीजें बहुत सारे लोगों तक पहुंचा रही है, क्योंकि हम लोग 10-15 के ग्रुप में लोगों को मुश्किल के इंतजार कर पड़ते हैं कभी कभी, मतलब इतनी डीपली बात करने के लिए। तो इस तरह से अगर लोग जानेंगे, और बहुत सारे आई थिंक यूट्यूब पे आपको एक और सजेस्ट करूंगा, जैसे टीवी पे बहुत सारी गवर्नमेंट की जो एडवर्टाइजमेंट आती है तो मतलब बिजली के लिए आती है, पानी के लिए आती है, इसी तरह ये एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट भी अपनी तरह से जो प्रमोट करे। तो ऐसा कह रही हूँ कि आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए हैं तो आप क्यों ना ये सजेशन। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल क्योंकि हमने कोशिश किया है, हमने अपील लेटर दिए, सब एजेंसी में, गवर्नमेंट में, सब में भेजा है, तो वो उनकी ही दो डिपार्टमेंट एक कॉन्ट्राडिक्टरी काम कर रहे हैं और दोनों को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर कुछ माहौल बदले और अभी नई गवर्नमेंट आती है, उम्मीद रखते हैं कि मोदी साहब तो स्वच्छता के बहुत ही आग्रही है, तो मैं बहुत अगर आपको मौका मिले तो या आप मोदी साहब से हमारी मुलाकात करा दो इस बारे में, तो अच्छा हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज यहाँ तक कोई पहुँचे। और खासकर के ये स्लम एरिया में भी इसकी करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि स्लम एरिया जो है उसमें लोगों को बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो लोग ऐसे कपड़े भी यूज करते हैं तो इतनी गंदी जगह से कपड़े लेते भी हैं और यूज भी करते हैं, इकोनॉमिकल भी बहुत पड़ेगा। और आज आपको जान के खुशी होगी कि मैं सेवापुर में झगड़िया जाती हूँ, मतलब झगड़िया का एक छोटा सा ट्राइबल एरिया का गाँव है, तो वहाँ पे हम लोगों ने ये कप्स यूज कराना शुरू किया है जी। तो बहुत सारी ट्राइबल लड़कियां अभी ये कप यूज करने लगी है और बहुत कम्फर्टेबल यूज करती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस है कि जैसे आप बहुत हाई फाई उसमें हो तो आप ये यूज करो, कोई भी यूज कर सकते हैं। जब बच्चा जब छोटे बच्चे को दांत आते हैं तो उसको टूथब्रश भी सिखाना पड़ता है, फिर उसको सिखाना वो लगता है, ये अभी समझो कि ये प्रोसेस में अभी आप जा रही है, तो अच्छी बात है धीरे धीरे करके वो लोग सब लोग ये नॉर्मल प्रोसेस हो जाएगा। तो इसका पर्टिकुलरली कोई सूरत के अंदर ऐसा है कि ये अगर किसी को ये यूज करना है, बट कैसे यूज करना है और कैसे उसका मतलब कुछ ट्रेनिंग वगैरह कुछ आप देते हैं? अरे आप हमारा नंबर देने वाली है ना, हम सब एक साथ ही काम करते हैं। बिल्कुल, तो और ये हमारा ये ब्रोशर है, आप अगर अपनी फेसबुक पेज पे डाल देना। हाँ, इसमें माहिती भी है और नंबर भी है। बिल्कुल, जो इसके बारे में कोई भी गाइडेंस चाहिए तो उसको हम कभी भी देंगे, ठीक है। और किसी को अगर इसके बारे में ग्रुप में बात करना है तो मुझे लगता है किसी पार्टी में ऐसे ही हम मिले जाते हैं, तो ऐसी बातें इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, और महिलाओं की किटी पार्टी तो होती ही रहती है तो उसमें भी इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। बिल्कुल, हम लोग भी इसका ट्राई करेंगे और अवेयरनेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अभी आपका जो ये मासिक का महोत्सव चल रहा है उससे समाज में क्या असर हो रहा है उसके बारे में हम लास्ट ये क्वेश्चन करते हैं। मुझे तो लगता है कि समाज में कुछ कुछ बदलने की शुरुआत है ये जी, है ना। तो एक जैसे हम चाहते हैं कि अच्छा हो समाज, ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो, इसलिए जो कुछ भी बुराई उसमें है उसके प्रति लोगों का ध्यान जाए और लोग सब साथ मिलके एक साथ जुड़ के उस समस्या का हल करने की और शुरुआत करें, वो ये मासिक का महोत्सव बताता है जी, है ना। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत है और उससे समाज में जो ये सब चीजें जो नहीं होनी चाहिए वो सब धीरे धीरे करके दूर होगी। और आज मासिक का विषय में लोग जुड़ गए हैं, कल ऐसी और जो भी समस्या होगी तो उसमें भी सब जुड़ सकते हैं। और मुझे सच में बहुत आनंद हुआ कि सूरत शहर में अभी आज 20 से ज्यादा संस्थाएं,
और शहर के हर विस्तार में जैसे कुछ न कुछ हुआ है इसके बारे में, और लोग सामने से आके कहते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे यहाँ करना है, मुझे वो करना है। तो ये मोमेंटम अगर हम बरकरार रख सके तो मुझे लगता है कि आगे दिनों में हमारा सूरत में बहुत कुछ अच्छा होगा। जी बहुत ही अच्छी बात है अमी जी। हमारी जो महिलाएं हैं जिनको जी जो लोग ये मासिक की समस्या से परेशान है या मासिक से जुड़े हुए हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कहूंगी कि अपने शरीर के बारे में, उसका किस तरह से हमारे तंत्र काम करते हैं उसके बारे में जानना हमारा हक है। बिल्कुल। और क्योंकि औरत की तंदुरुस्ती का संबंध उसके प्रजनन तंत्र में क्या हो रहा है उससे बहुत गहरा उसका नाता है। बिल्कुल। इसलिए तो ये सब चीजें की जानकारी आपको खुद को भी होनी चाहिए, अपने बच्चों को भी देनी चाहिए ही, है ना। तो मैं चाहूंगी कि सब अपने ये आरोग्य के प्रति, अपने पोषण के प्रति, अपने हक के प्रति ज्यादा से ज्यादा जागृत हो और सबको खुल के बात करने का माहौल बनाए जी, और हमारे साथ जुड़े। ऐसा नहीं कि हम आज ये करके फिर भूल जाने वाले हैं। तो आप सब भी याद रखना, और इस साल नहीं, हम सालों पर ये करते रहे ऐसा मुझे चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। आज का हमारा जो टॉपिक था ये मासिक के बारे में था, और बहुत ही अच्छी हमारी डिस्कशन और टॉक हुआ, और हमारे साथ खास करके महिलाओं के साथ दीपक जी जुड़े। दीपक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो बहुत बड़ी बात है। सो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, और आगे ही ऐसे अवेयरनेस के कार्यक्रमों के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के